नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गद्दार, 1000 के इनाम के लालच में हमारी जान का सौदा करना चाहा था। पुलिस का खबरी बनकर हमें फांसी पे चढ़ाना चाहा था। अमृत से मिलना है। इसलिए तुम्हारे टोले में शामिल होना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे गले में यही परशुराम का कुल्हाड़ा बंधा है। तुम ब्राह्मण हो? मैं पंडित तुलसीराम का बेटा हूं। नाम? रूपा। यहां किस कारण आए हो? इस इलाके में तुम्हारा ये एक ब्राह्मणों का गिरोह है जो ठाकुरों के खून का प्यासा है। तो मैं भी लाखन के खून का प्यासा हूं। इससे तुम्हारा मतलब तो पूरा हो जाएगा, हमें क्या फायदा? फौज में 7 साल रहा हूं, निशाना भी पक्का है, 1 गोली 1 लाश। कहीं हम तुम्हारा निशाना बन गए तो? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता। अमृतलाल किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। तो फिर जैसे चाहो आजमा लो। निशाने के साथ साथ दिल भी मजबूत है? है। आओ मेरे साथ। चलाओ गोली इस पुलिस के खबरी पर। गोली चलते ही तुम कानून की दुनिया से निकलकर हमारे टोले में आ जाओगे। आज मेरा बेटा मेरे लिए जीते जी मर गया। हे भगवान, अगर लाखन के किस्मत में ऐसे ही पाप लिखे हैं तो उसे इस दुनिया से उठा लो। ऐसे बेटे के चीरे से तो उसका मर जाना अच्छा है, उसका मर जाना अच्छा है। लाखन, तुम यहाँ ठंडी छांव में शराब पी रहे हो और वहां कोई तुम्हारी मौत की तैयारी कर रहा है। कौन?
रूपा। कौन सी नई बात? रूपा की दुश्मनी कोई नई बात नहीं, पर ब्राह्मण की चालाकी से खतरा है। कैसी चालाकी? अकेले तुमसे बदला नहीं ले सका, इसलिए अमृतलाल के टोले में शामिल हो गया। अरे काका, जहां 15 वहां 16, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लाखन, डाकू जब तक चौकन्ना तब तक जिंदा, जहां गफलत वहां मौत। आखिर तुम चाहते क्या हो? इससे पहले कि तुम्हारी लापरवाही से फायदा उठाकर वो तुम पे हमला कर दे, तुम उस पर टूट पड़ो। मुझे मूछ वाले को तो लेना दे। अबे मूछ वाले को तो मैं ले लूंगा, दाढ़ी वाले को तू लेना। ये टोला बहुत दिनों के बाद जागा है। ये सब कायर हैं, ललकार के थोड़े ही आएंगे। पर आज लाखन हमारे लिए नहीं, रूपा के लिए आया है, और ये मुसीबत पड़ती ही रहेगी जब तक लाखन जिंदा है या रूपा। अगर आज लाखन बच के निकल गया तो याद रखना, रूपा बचने ना पाए। बंदूक की आवाज से पुलिस वालों के दिल दहल जाते थे, आज उसका चलाने वाला नहीं रहा। जिस बंदूक ने हमें जेल की काल कोठरी से 6 साल तक बचाए रखा, आज उसके चलाने वाले और हमें संभालने वाले की सख्त जरूरत है। वो आदमी मैं हूं, इस बंदूक को मैं चलाऊंगा। खबरदार, बंदूक छोड़ दो। और कुछ? 6 साल तो क्या, तुम इस टोले को 6 दिन भी नहीं संभाल सकोगे। बोलो। देख क्या रहे, चाकू तुम्हारे हाथ में है, चला दो। अच्छा,
मैं यहां हूं। सुनार हमारे लिए कारतूस वगैरह लाता है, रुपया जेवर ले जाता है। हमारे लिए भी वही काम करोगे जो अमृतलाल के लिए किया करते थे? जरूर सर, क्या लीजिए, स्वीकार करता हूँ, ये कारतूस लीजिए, पैसा माल बाद में लूंगा, मैं जा सकता हूँ। ठहरो मोटो, एक बात बताओ। बोलो। तुम पर भरोसा कर सकते हैं? मोटो मेरा नाम राम भरोसे है, कैसी बातें करते हैं? राम भरोसे जी, धोखा तो नहीं करोगे? आपको धोखा दे दीजिए, आपसे जान को धोखा दूं? अंधे बैल की तरह कहां भागे जा रहे हो? अब तेरे राम भरोसे का कोई भरोसा नहीं। हट्टे कट्टे तो दिखाई दे रहे, तुम्हें क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है। वो चिता की बहन चिंता मेरे पीछे पड़ गई है। कौन है वो? कहां रहती है? मैं उसका खून पी जाऊंगी। कौन सी लड़की है? अरे लड़की नहीं, लड़की नहीं, एक मुसीबत है जो मेरे गले पड़ गई है। मुसीबत? मुझसे भी बड़ी मुसीबत है क्या? है, एक नहीं दो है, दो डाकू, रूपा और लाखन। वो एक दूसरे के दुश्मन है। अजी वो एक दूसरे के दुश्मन है, तुम्हें उससे क्या लेना? यही तो बात है, उन दोनों का मैं दोस्त हूँ। ये गोली बाजू पर क्यों? लाखन इसलिए बच गया था कि गोलियां खत्म हो गई थी। अब यह गलती कभी ना होगी। इस गोली पर लाखन की मौत लिखी है। अब यह गोली उसी वक्त चलेगी जब लाखन सामने होगा। रूपा का नाम गोली पे क्यों लिखवा रही हो? सुना नहीं काका, रूपा ने मुझे मारने के लिए एक गोली अलग से अपने बाजू पे बांध रखी है। दुश्मन की ये बात अच्छी लगी काका। ये गोली भी मेरी बंदूक में तब उतरेगी जब रूपा मेरे सामने होगा। देखना सिर्फ इतना है काका, किसकी गोली किसका सीना छलनी करती है। मैं रूपा हूं और तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। कैसी मदद? जो सलूक लाखन ने तुम्हारे साथ किया है उसका बदला लेना चाहोगी ना? मेरा बस चले तो उसकी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दे। वही काम मेरी एक गोली करेगी। तुम इतना ही करना, किसी बहाने लाखन को यहां बुलवा लेना। अगर लाखन यहां मारा गया तो उसके आदमी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबरा मत, मैं बाहर किसी मकान में छुपा रहूंगा, सिर्फ मेरी बंदूक की आवाज आएगी और दुनिया जान लेगी कि रूपा ने अपना बदला ले लिया है। तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी। खबर भेजोगी? जरूर भेजूंगी। राम कटोरी ने तुम्हें भेजा है? हाँ हुजूर, और ये भी कहा कि आग जानी नहीं थी तो लगाई क्यों? और ये भी कहा है कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कल शाम को जरूर आइयो। ठीक है उस्ताद, राम कटोरी से कह देना कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। यहाँ घुटन से नहीं हो रही, आइए बाहर जाने में बैठे। बिना शराब के? अरे अभी लाई।
निशाना कैसे चूक गया? निशाना चूका नहीं, मैं धोखा खा गया। वो कैसे? जिसे मैं लाखन समझा वो दरअसल शीशे में उसकी छाया थी। तो मुझे दगा नहीं दे सकते। तू क्या जाए, वो ठहरी डेरेदार तो आए, जिधर आंख उठाई घरों के घर तबाह कर दिए। काका मैं भी उस खानदान का हूं जिसने गद्दारों को तो क्या उनकी पुश्तों तक को नहीं छोड़ा। सरकार ने बुलाया, बंदी आ गई। क्या बात है, आप कुछ खफा हैं? आज इन आंखों में प्यार की जगह गुस्सा क्यों? इसका जवाब तुम्हारे पास है। इसे शक समझिए, शिकायत। बड़ी चालाक हो। वो तो हूँ। और खूबसूरत हो। वो भी। और शायद बेवफा भी। रूपा, रूपा तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि इतनी आसानी से हमारे जाल में आ जाता। खबर, गांव में कोई पुलिस नहीं है, लेकिन माँ ने कहा है। क्या कहा है? लाखन से कहना कि अपनी शकल मुझे कभी ना दिखाए। क्या बकते हो? मैंने कहा था ना, फिर कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। कहा था, लेकिन क्या करूं, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूं। इस दुनिया में अकेला, एक तरफ रूपा दूसरी तरफ फांसी का फूला। तुम्हारा प्यारी तो है, इसके सहारे जी रहा। तुम उसे जीना कहते हो, मैं उसे मौत कहती हूं। क्यों माँ, क्यों ऐसी बातें करती हो? खबरदार जो मुझे माँ का। ये तुम कह रही हो? हाँ। अपने बेटे से? तुम मेरे बेटे नहीं हो, जिसकी काली करतूतों के चर्चे सारे इलाके में हो। वो मेरा बेटा नहीं, जिसका नाम सुनकर लड़कियों के रंग पीले हो जाए। वो मेरा बेटा नहीं, जिसके नाम से बच्चों का कलेजा पानी हो जाए। वो मेरा बेटा नहीं। है माँ है, ये तुम्हारा वही बेटा है जिसे तुमने बचपन से दूध के हर घूंट के साथ नफरत का जहर पिलाया। दो चार अक्षर सिखाने की जगह बंदूक चलानी सिखाई। बचपन से मेरे मन में नफरत, बदले और दुश्मनी की आग भड़काई। तुमने मुझे जिंदगी का उजाला नहीं, मौत का अंधेरा दिया है मां। अब तो जब तक जीना है इसी अंधेरे में भटकना है। यही मेरा रास्ता है और यही मेरा भविष्य। तुमने एक भोले भाले मासूम बच्चे को डाकू बनाया और मैंने उस डाकू को पशु बनाया, और आज तुम मुझको दोष देती हो। चुप क्यों हो गई मां, जवाब दो। अगर तुम्हारे पास इस बात का जवाब है तो मैं तुम्हें कभी मिलने नहीं आऊंगा।